तुम्हारी खुशी तो मैं बर्बाद किए बगैर यहाँ से जाऊंगी नहीं नौफल। मुझे तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। इस घुटे माहौल से और असद जैसे बोर और सड़ियल इंसान से पीछा छुड़ाना है। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो फिल्म ढूंढ रही थी एक। कृष्णा, आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा बिजी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उस दिन भी हमारा आउटिंग का प्लान बना था बट वो बीच में रह गया। बट होपफुली मैं इस वीकेंड पे टाइम निकालूंगा और हम जाएंगे आउटिंग। ठीक है, काम भी तो जरूरी है ना। थैंक यू कृष्णा। ये क्यों फ्री हो रहा है इतना मुझसे? बहुत समझदार, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो शैला आंटी ने दूध मांगा था, मैं उन्हें दूध गर्म करके दे के आती। हाँ तुम चलोगे? तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी कृष्णा। किसी भी और को मरियम की जगह देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं बस इस निकाह के रिश्ते का एहतराम करना चाह रहा था और तुमसे कोई ज्यादती भी नहीं करना चाहता। थैंक यू। आशी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय बना दोगी? रुशना भाभी, पहले मैं ये फ्रूट्स धो दूं, फिर आपके लिए बना देती हूँ। ये क्या मुझे भाभी भाभी कहती रहती हो? रुशना बाजी बोला करो। जी रुशना बाजी। अच्छा क्या हो रहा है, ये जूस बन रहा है गुल के लिए? जी बाजी। मैं बना देती हूँ, तुम चाय बना दो। नहीं नहीं भाई, नौफिल भाई ने मुझे मना करा है, वो खुद बनाते हैं जूस। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, चाय तो बना दो, सर में दर्द हो रहा है। जी बाजी।